जो जनता है उन्होंने उनको सबक सिखाया है, जो घमंड है आज उसका अंत हुआ, भ्रष्टाचार का अंत हुआ। राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी जिस पार्टी को आशीर्वाद देते हैं उसकी सरकार बननी निश्चित होती है। बिल्कुल जवाबदारी तो बढ़ी हुई है, पहले से ही हमारा काम है सेवा करना, लोगों के सुख दुख में शामिल होना। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। इस वक्त हमारे साथ है आरंग से, जो कि वीआईपी सीट है, वहां से जीत कर आए खुशवंत साहेब, उन्होंने डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को हराया है, इसलिए काफी हाई प्रोफाइल सीटी से चर्चा में। आपने आरंग से जीत हासिल की है, वीआईपी प्रत्याशी को हराया है, कौन सी ऐसी बातें रही जिस कारण से आप लगता है कि शिव डहरिया को हराने में कामयाब हुए? कौन सी बातें रहे कि शिव डहरिया को हराने में आप कामयाब हुए? देखिए, जिस प्रकार से आरंग में उनके द्वारा भैया अभी जीत क्या है, इसलिए मेल मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, इस बीच हम बात भी करते रहेंगे। बताइए, बड़ा लोग आपसे नाम पे चौंक गए कि आपने शिव डहरिया जी को परास्त कर दिया। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से उन्होंने भय आतंक का सरकार वहाँ पे चला के रखा हुआ, जिस प्रकार से लोगों को डराने धमकाने का जो काम कर रहे थे, आज ये जो जनता है उन्होंने उनको सबक सिखाया है कि भाई आप पावर का यूज करके हमें डरा धमका रहे थे, जनप्रतिनिधियों को उनके पद से हटाने का काम कर रहे थे, लेकिन जनता के पास भी एक ताकत है और वो है वोट की ताकत। जो उन्होंने 17 तारीख को जब उन्होंने वोट डाला तो वो अपनी ताकत दिखाया, और जो आज जो घमंड है आज उसका अंत हुआ, भ्रष्टाचार का अंत हुआ, आने वाले समय में सबका साथ और सबका विकास हो। बालदास जी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जिन जो पार्टी जो सच के को किनारे करती है उसे जनता नकारती है, निश्चित तौर से बालदास जी और आप लोगों का एक समाज पे अच्छा प्रभाव है, गुरु है उस समाज से, तो क्या कहते हैं जिस तरफ आप जाते हैं उस तरफ सत्ता जाती है, आपने कांग्रेस छोड़ा सत्ता भाजपा तरफ आ गई? बिल्कुल, देखिए राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी जिस पार्टी को आशीर्वाद देते हैं उसकी सरकार बननी निश्चित होती है, अभी तक ऐसा होते आया और आने वाले समय में भी होगा, क्योंकि राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी हैं गुरु घासीदास बाबा जी के वंशज हैं और उनके रास्ते पे चलते हैं, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं। तो जो सत्य का साथ देगा और जो समानता का अधिकार, जो बाबा जी का संदेश है मन के एक बरोबर, तो समानता का अधिकार की बात जो पार्टी करेगी उसका साथ राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी देंगे, और आज भारतीय जनता पार्टी हर एक वर्ग का मान सम्मान बढ़ा रही, हर एक वर्ग को साथ लेके चल रही है। आज कुतुब मीनार से उठा जैद खाम यहाँ बना के दिखाया, आज देश में अयोध्या में श्री राम भगवान का राम मंदिर बना के दिखाया धर्म का, इसके अलावा अनेक विकास के कार्य, युवाओं को रोजगार केंद्र शासन के द्वारा मिल रहा है, गरीबों को आवास मिल रहा है, नल जल योजना जो चल रही है, तो ऐसा जो सर्वधर्म और सर्वयुक्त जो योजना है वो केंद्र सरकार और भाजपा ला रही, इसलिए आज भाजपा की सरकार बन रही। कद्दावर नेता का कौन सा ऐसा नब्ज पकड़ लिया आपने कि उन्हें परास्त कर दिया? देखिए ये जो जीत है वो जनता की जीत है, क्योंकि जिस प्रकार से वो लोगों डराने धमकाने का काम कर रहे थे और उनका जो व्यवहार था लोगों से, ना ठीक से बात करना, ना लोगों के बीच उठना, ना लोगों के बीच में जाना, ना उनके सुख में शामिल होना, ना उनके दुख में शामिल होना, तो ये जो जनता है उन्होंने उसको सबक सिखाई है कि भाई जनता ने ही आपको जिताया, जनता के सेवा में आपको तत्पर रहना चाहिए, जनता के सुख दुख में आपको शामिल होना चाहिए। तो जिस प्रकार से वो भेदभाव का राजनीति किए उसी का ये बाहरी और भीतरी का भी मुद्दा चलता था, वो लोकल थे ऐसा कहते थे, बार बार सीट बदलते थे और आरंग में हर किसी को भी दोबारा जीत नहीं मिलती ऐसा कहते हैं। देखिए वो बाहर के व्यक्ति थे, आरंग विधानसभा के व्यक्ति थे नहीं, बाहर विधानसभा से आए हुए थे, सिर्फ लूट खसोट भ्रष्टाचार करने के लिए आए हुए थे और वही काम वो कर रहे थे। जवाबदारी बढ़ गई आपकी आरंग के लिए? बिल्कुल जवाबदारी तो बढ़ी हुई है, पहले से ही हमारा काम है सेवा करना, लोगों के सुख दुख में शामिल होना, उनके हक अधिकार को दिलाने का प्रयास करना, पहले से भी कर रहे थे और सजगता के साथ और जिम्मेदारी से। बधाई आपको, थैंक यू। तो ये थे खुशवंत साहब, जिन्होंने जो छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री थे शिव कुमार डहरिया, उनको हराया है आरंग विधानसभा सीट से, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उनकी जीत तय है, लेकिन जब परिणाम आया तो वो चौंकाने वाले थे और उन्होंने उन्हें खुशवंत साहब ने भारी मतों से हराकर विधानसभा में प्रवेश किया है। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर छत्तीसगढ़ तक।